सो हेलो एवरीवन, हाँ वेलकम टू अभिमन्यु IAS, नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर योर CSAT प्रिपरेशन और आपकी UPSC प्रिपरेशन के लिए भी। तो स्टूडेंट्स, नंबर वन किसी कारण से मैंने आपको एक कंपैरिजन की वीडियो दिखाई कि क्लास नोट्स वर्सेस UPSC आपका जो एग्ज़ाम हुआ 2024, वो नहीं देखी तो देखिए, एक दो दिन पहले 17 तारीख को ही मैंने वो वीडियो डाल दी थी, 17-18 के आसपास, ठीक है। तो देखिए आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि क्लास में किस लेवल के क्वेश्चन हम करते हैं। और ये सोल्यूशन मैं क्यों करवा रहा हूँ आपको, मेरे करवाने का मेन मकसद क्या, बिल्कुल आराम आराम से क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता चले कि किस लेवल की हम पढ़ाई है जो हम बैचेस के अंदर करते हैं। कि जब हम CSAT पढ़ते हैं यहाँ पे आगे बैच लगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, तो किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाती है एक स्टूडेंट्स को कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता है। एग्ज़ाम का डर निकल चुका था, मैं बताऊँ हमारे यहाँ पे स्टूडेंट से, जल्दी आपकी इंट्रैक्शन भी करवाऊँगा मैं, क्लियर। तो चलिए, और दूसरी बात है, नंबर सिस्टम का इतना हवा बनाया गया था ना, नंबर सिस्टम, मैंने इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन पहले ही करवा दिए थे ना कि बच्चों को एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि हो जाएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम आसान था या मुश्किल था वो बात की बात है, बट एक्चुअली पहले क्या था, एक अटैम्प्ट करने का करेज तो होना चाहिए, एक थोड़ा आत्मविश्वास होना चाहिए आपको, एक कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए कि हाँ हम कर लेंगे। क्योंकि कई बच्चों ने तो इसीलिए एग्ज़ाम स्किप कर दिया होगा कि यार मेरा तो नंबर सिस्टम हुआ ही नहीं है, वो तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता ही नहीं। कितने क्वेश्चन आए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, इतना ज़्यादा हवा क्रिएट हो रखी थी कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग पे थोड़ा सा जोर देने की ज़रूरत थी कि एग्ज़ाम है, ठीक है, जब सामने आएगा जब ये पता चलेगा ये मुश्किल है कि आसान है। क्योंकि 2023 के बाद तो ये लग रहा था पता नहीं 24 में तो कितना ही बड़ा एग्ज़ाम आ जाएगा, तो दैट वॉज अ नॉर्मल पेपर, कोई अच्छा पेपर था ये, ठीक है। तो चलिए, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, चलिए नेक्स्ट। नया बैच जल्दी ही स्टार्ट हो रहा है आपका CSAT के लिए, तो आप डिटेल शेयर कर दी जाएगी, तो प्लीज़ यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, हमने आपको कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, क्लियर। चलिए चलिए जी, देखिए क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन रह गया था पिछली बार के जो क्वेश्चन रह गए थे, सॉरी फॉर दैट, पिछली बार के जो क्वेश्चन रह गए थे, चलिए उन क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं हम। चलिए पार्ट टू आ चाहिए, देखो 32 की पावर 5 प्लस 27 की पावर 27 इज डिविजिबल बाय, ऐसे कितने सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेशन में भी किए थे, यूट्यूब सेशन में भी किए थे कि डिविजिबल बाय, या नंबर सिस्टम के हमने वो रिमाइंडर थ्योरम वाले कितने सारे क्वेश्चन किए थे, ठीक है। एक वो 30 की पावर 30 वाला क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट डिटो ही था, क्योंकि हमने जो करा वो 30 की पावर 2027 समथिंग कुछ था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा टेम्परेमेंट चाहिए, क्यों, अब बच्चा देखेगा 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27, देखो जब भी ये डिविजिबल होगा ना कुछ आपको कॉमन मिलेगा, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, कॉमन का मतलब क्या है, आपके पास कुछ ना कुछ चीज़ बाहर जाएगी, मतलब दोनों का बेस सेम होगा, बेसिकली कॉमन कब मिलेगा, जब बेस सेम होगा, बेस सेम होगा या बेस डिविजिबल होगा, जैसे 6 हो गया 3 हो गया तो 6 को हम लिखेंगे 2 × 3, समझा की बात, मतलब मल्टीपल होंगे सेम के, ये वाले जो दो नंबर्स है ना ये मल्टीपल होंगे एक सेम नंबर के। जैसे अब आपको दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन इज 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 इज डिविजिबल बाय, मुझे बताना ये किस नंबर से डिविजिबल है। तो सबसे पहले मेरा क्या वो था कि मैं इस 32 को 2 की पावर में लिखूं, मैंने बैच जब करवाया था मैंने एक बात बोली थी कि 2 की पावर 10 तक आपको याद होना चाहिए कि 2 की पावर 10 तक आपको याद होना चाहिए, ताकि देखते ही फटाक से ये लगा सको आंसर, हाँ जी ये, ठीक है। तो 2 की पावर 5 32 होता है, इसकी होल पावर 5 प्लस क्या 2 की पावर 27 है, यस दिस इज 2 की पावर 27, क्लियर। तो नेक्स्ट इज 2 की पावर 25 हो गया प्लस 2 की पावर 27 हो गया, ठीक है। चलो अब ये कितना हो, देखो 2 की पावर 25, अब इस सर्स एंड डिसिस का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, प्लस 2 की पावर 2 × 2 की पावर 25 हो गया, ये हो गया, देखो 2 की पावर 25 अगर आप कॉमन लोगे कितना बचेगा, 1 प्लस 2 की पावर 2, यानी कितना हो गया 2 की पावर 25 इंटू 1 प्लस 4 2 की पावर 25 इंटू 5, क्लियर। अब देखिए ऑप्शंस उठाइए जरा, 3, 5, 10 और 11, 3 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर, 11 भी प्राइम नंबर,
बट यहाँ से मैं 10 कैसे निकाल सकता हूँ, 2 की पावर 24, 2 की पावर 1 into 2 की पावर 5, और सॉरी 2 की पावर 5 नहीं आ गए, 5 आएगा, into 5, 5 into 2 is 10, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल अस एट 9517771651, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट कीजिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना थिंकिंग प्रोसेस वाला, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था ये। ये मुझे क्या बोला गया, लेट पी एंड क्यू बी अ पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि देखने में बहुत आसान लग रहा है क्वेश्चन, बट मैं कहूँगा ऐसा क्वेश्चन बहुत दो लाइनों का बहुत डेप्थ वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको टेम्परमेंट चाहिए, थोड़ा सा अलग सोच चाहिए बेसिकली इस क्वेश्चन को मुझे करने के लिए। क्वेश्चन इज लेट पी एंड क्यू बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच सेटिस्फाइंग क्यू इज ग्रेटर देन पी, ठीक है, क्यू पढ़ा है पी से, एंड पी प्लस क्यू इज के, मतलब पी प्लस क्यू मुझे क्या दिया, मुझे के दिया, ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के दैट डज नॉट डिटरमाइन पी एंड क्यू यूनिकली। अब पी एंड क्यू यूनिकली का मतलब क्या, देखो डज नॉट डिटरमाइन पी एंड क्यू यूनिकली का मतलब क्या है, कि पी एंड क्यू की कोई ऐसी वैल्यू ना है मेरे पास जो सिर्फ सिंगल डिजिट वाली, कोई ऐसी वैल्यू जो सिर्फ एक ही सेटिस्फाई कर रही है। जैसे मैं बात करूं टू की, कैसे लिखोगे, 1+1 लिखोगे, ये लिखोगे कि जीरो नहीं दिया हुआ, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर दिया मुझे, क्लियर है। तो अब पी प्लस क्यू की देखो ऑप्शंस उठाओ तीन, सपोज करो अगर पी प्लस क्यू आपके पास तीन होता, मैंने ऑप्शन नंबर ए उठाई, ये क्वेश्चन ऑप्शन से ज्यादा जल्दी होना था। अब एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के क्या दिमाग चलेगा क्या नहीं चलेगा वो अलग बात है, बट आप शांत दिमाग से सोच के करिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर अगली बार आता तो हमें करना ही करना है, ठीक है। ये नए टाइप का क्वेश्चन था, मतलब स्टेटमेंट नए टाइप की थी, ठीक है। अब एक कंडीशन हो रहा है भैया, क्यू बड़ा है पी से, तो क्या इसका 2+1 लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं, ठीक है। इसके अलावा कोई वैल्यू हो सकती है, जीरो नहीं पुट करना, ध्यान रखना जीरो नहीं पुट करना, आपने पॉजिटिव इंटीजर बोला गया, ठीक है, चलो ये तो नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर यूनिक वैल्यू आ रही है कि क्यू को मैं 2 ही पुट कर सकता हूं, पी मेरे पास 1 आ सकता है। देखो अगर 4 हुआ पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 4, बिल्कुल मान गया भाई, 3 पुट कर सकते हो 1 पुट कर सकते हो, फिर क्या हो सकता है, 2+2 हो सकता है, आपको सर यूनिकली नहीं आई, बट यहां पे कंडीशन जो दी है क्यू ग्रेटर देन पी, वो मेरे पास कहीं ना कहीं उससे मैंने छेड़खाने की, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गलत है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। अब देखो अगर मैं पी प्लस क्यू को 5 पुट करता हूं, 4+1 हो गया, 3+2 हो गया, खत्म, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसने देखो आप कहोगे सर 6 के लिए भी 2 हो सकते हैं, आप कहोगे सर 6 को अगर पी प्लस क्यू को मैं 6 लिखूं तब तो शायद ज्यादा वैल्यूज आ जाएंगी, कैसे आएगी, 5+1, 4+2 और 3+3, फिर कितना आएगी, यहां पे भी 2 ही वैल्यूज आ रही है, बट उसने क्या बोला मुझे, स्मॉलेस्ट, उसने क्या बोल दिया मुझे, स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट कितनी है, 5 वैल्यूज, बेशक कम ज्यादा है बट मेरे पास क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, कि यूनिक नहीं आना चाहिए, समझ आ गई बात। तो दो चीजें थी, एक तो एक कंडीशन, ठीक है, सेटिस्फाइंग इंटीजर स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए और यूनिकली, ये चीजें टर्म्स थी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में समझ आती तो आंसर बड़े फटाक से निकल जाना था। प्लीज कमेंट करके बताइएगा किस किस का हुआ था ये क्वेश्चन, क्लियर। चलिए होपफुली समझ आ गया, नोट कर लीजिए इसको जरा। चलिए नेक्स्ट इज काफी अच्छा क्वेश्चन है। अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 statements 1 and 2, कंसीडर द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट आर द वैल्यूज m एंड n, वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर। मेरे पास m और n मेरे पास क्या है, नेचुरल नंबर, m एंड n मुझे नेचुरल नंबर्स दिए हैं, क्लियर। स्टेटमेंट 1, अब मुझे बताना है
व्हाट आर द, मुझे एम और एन की स्पेसिफिक वैल्यू बतानी है, व्हाट आर द वैल्यूज, की मल्टीपल भी हो सकती हैं, हो सकते हैं नहीं, व्हाट आर द वैल्यूज का मतलब कि एम और एन दोनों को यूज किया गया, आर का मतलब ये कि एम और एन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम चलता है, व्हाट आर द वैल्यूज, इसका मतलब एम और एन की यूनिक वैल्यूज की बात कर रहा है वो। देखो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या दिया मुझे, स्टेटमेंट वन मुझे कह रही है कि अगर मैं एम प्लस एन को ऐड करता हूँ ना वो ग्रेटर देन है एम इंटू एन से, समझा की बात, कि अगर मैंने एम प्लस एन को ऐड किया तो ये बड़ा होगा एम इंटू एन से, स्टेटमेंट नंबर वन होगी, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर टू क्या बोल रही है कि एम इंटू एन मेरे पास 24 है। अब देखो 24 अगर मुझे किसी वैल्यू को बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो, वो भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके, अगर मैंने एक को दो लिया दूसरे को 12 ले सकते हो, एक वैल्यू ये बन गई, दूसरी कौन सी ले सकते हो, चार हुआ तो 6 आ सकते हैं, अच्छा सर 3 हुआ तो 8 भी आ सकते हैं, ठीक है, अच्छा जी ऐसा भी तो हो सकता है 1 × 24 हो, कैन बी पॉसिबल, इनको उल्टा कर दो 12 × 2 भी हो सकती है, 6 × 4 भी हो सकती है, 8 × 3 भी हो सकती है, और 24 × 1 भी हो सकती है, क्लियर। अब इन वैल्यूज को जब आप देखोगे ना इनसे आपको एक यूनिक वैल्यू निकलेगी, कैसे, कंडीशन में अप्लाई करो। देखो मैं बेसिकली अगर बात करता हूँ 2 और 12 की, 12 + 2 = 14 मल्टीप्लाई करके 24 आ रहा है, ये वैल्यू मैं नहीं ले सकता, 4 और 6 = 10 10 24 से बड़ा नहीं है, 8 और 3 = 11 ये भी बड़ा नहीं है, क्या 1 और 24 है, यस 1 + 24 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, और ये किससे बड़ा है 24 से बड़ा, यस ये भी नहीं ले सकता, ये भी नहीं ले सकता, ये भी नहीं ले सकता, और ये वैल्यू क्या आ गई उल्टी करके, तो 24 + 1 = 24 ये वैल्यूज मेरे पास बेसिकली बन रही है यहाँ पे। तो आंसर क्या आएगा इसका, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाई यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर दिस स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, समझा की बात, सी मेरे पास बिल्कुल सही आंसर है इसका, क्योंकि अगर मैं दूसरी इक्वेशन को लूँ इसको लेके मैं यहाँ पे आऊँ ना तब मैं आंसर ले सकता हूँ, अदरवाइज नहीं मैं आंसर ले सकता, 1 = 24 = 1 वो तो बाद की बात, आपने क्या पुट करना है, बट सेकंड जो इक्वेशन है उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है पहली के बारे में, क्लियर आ गई बात, चलिए नोट कर लिया होपफुली, चलिए नोट कर लीजिए, चलो 10-15 सेकंड दे रहा हूँ आपको मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नंबर आपको बता दिया, कोई कॉल मैसेज करना तो उस पर करिए और जुड़िए मेरे साथ। चलिए लेट एक्स बी अ 2-डिजिट नंबर एंड वाई बी अनदर 2-डिजिट नंबर, ये क्वेश्चन मैंने देखो ऐसा तो नहीं करवाया था, बट हाँ वैल्यूज मैंने करवाई थी क्लास में, ऑलमोस्ट सेम ही था कि कितने नंबरों वैल्यूज हो सकती हैं, बट 99 वाला सीन नहीं था, वो कोई और नंबर था कि इतना और है इंटरचेंजिंग डिजिट्स कितने नंबर से, कि बेसिकली जो मैंने जहाँ से शुरू करवाया था ना ये वाला जो लेवल है वो ऐसे था कि किसी दो नंबर उनको इंटरचेंज करते हो किस नंबर से डिवाइड होगा किस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। अब जिस बच्चे को पता था उसने तो डायरेक्टली कर दिया 11 × x + y = 99 और x + y की वैल्यू 99 और फर्दर फिर वैल्यूज पुट करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो वो तो एक प्रोसेस था, चलो देखेंगे उसको भी। लेट एक्स बी अ 2-डिजिट नंबर एंड वाई बी अनदर 2-डिजिट नंबर फॉर्मड बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इफ एक्स प्लस वाई इज द ग्रेटेस्ट 2-डिजिट नंबर। अब यहाँ पर बहुत आसान कर दिया गया आपके लिए, उसने स्पेसिफिकली बता दिया आपको कि जो आपका x जमा y का सम है ना वो सबसे बड़ा 2-डिजिट का नंबर है, दैट इज 99, क्लियर है। अगर स्टूडेंट्स मैं x को लिखता हूं ए बी और मैं y को लिखता हूं बी ए, तो देखो जब भी आप एक्स वाई की बात करते हो या आपने ए बी लिया ना तो इसको आप लिखोगे कैसे, tan a + b लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा, तो ये क्या हो गया मेरे पास tan a + b, और ये कितना हो गया tan b + a, क्लियर। इन दोनों को ऐड कर दो जरा यानी x प्लस वाई को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास tan a + b + tan b + a यानी 11a + 11b × 11 times of और वो किसके बराबर दिया आपको 99 की,
यानी बेसिकली जो मेरे पास नंबर आपके पास ए प्लस बी क्या हो गया 9 आ गया बताइए क्लियर हुआ यहाँ तक होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब आपसे क्या पूछ रहे थे, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये मैंने अलग क्वेश्चन में करवाया था कि वैल्यूज ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, या अगर किसी नंबर को पर्टिकुलर सीरीज में लेके जाएं तो उसके नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमने कराया था दो क्वेश्चन का मिक्सचर आपसे बेसिकली पूछ लिया गया। क्या कर सकते हो, देखो वन किया, अब यहाँ पे कंडीशन चेक कर देंगे क्या कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया, कौन किससे बड़ा है। क्या वन प्लस एट हो सकता है, यस। टू प्लस सेवन हो सकते हैं, थ्री प्लस सिक्स हो सकते हैं, फोर प्लस फाइव हो सकते हैं, हो सकता है उल्टा चल दो, फाइव प्लस फोर हो सकते हैं, सिक्स प्लस थ्री हो सकते हैं, सेवन प्लस टू हो सकते हैं, एट प्लस वन, एक दो तीन चार पाँच छः, हाउ मेनी वैल्यूज वी हैव, ऑप्शन नंबर डी एट वैल्यूज आर प्रेजेंट। क्लियर, सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कोई डाउट हो ना, अगर आपको न्यू बैच की इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो इस नंबर पर कॉल मैसेज कीजिए 9517771651। आप कर सकते हैं कॉल, आप कर सकते हैं व्हाट्सएप। क्लियर है, तो चलते चलिए और अभिमन्यु आयस के साथ सी सेट ऐसे ही पढ़ना है, बिल्कुल ऐसे ही आपने यूपीएससी की तैयारी करनी है। चलिए फटाफट नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इज, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। देखो 421 एंड 427, 421 एंड 427 व्हेन डिवाइडेड बाय सेम नंबर्स, सेम नंबर लीव्स द सेम रिमाइंडर वन, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज्ड एज द डिवीजर इन ऑर्डर टू गेट द सेम रिमाइंडर वन। कैसे करेंगे, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था बट इजी था, अगर थोड़ा सा आपने दिमाग लगा के फैक्टर बना लिए होते ना आपका आंसर आ जाना था। देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले मुझे वो नंबर फाइंड आउट करना जो एक ऐसे इकलौता नंबर बने शुरू में, बाद में तो मैं देख लूंगा उसको यूनिक है कि नहीं है, अगर प्राइम है तो यूनिक है अदरवाइज नहीं है। देखो अगर मैं बात करता 421 और मैं बात करता 427, दो नंबर दिए, एक 421 है 427 है, रिमाइंडर वन बच रहा है तो सबसे पहले माइनस वन करो यानी एक नंबर तो 420 आ गया और दूसरा नंबर क्या हो गया 426 हो गया। अब मुझे क्या बोल रहा है वो कि आपके पास क्या है से, मतलब एक ऐसा नंबर जो दोनों को काट रहा है सेम रिमाइंडर वन, यानी नंबर मेरे पास 420 और 426 जो पर्टिकुलरली उस एक नंबर से कट रहे हैं या नंबर से कट रहे हैं, नंबर या नंबर्स कुछ भी ले लीजिए, इसके फैक्टर बनाओ जरा क्या बनेंगे, 6 से जा रहा है, अगर आप 6 से जाओगे 6 गुना 70 बन जा रहा बिल्कुल, इसको करोगे तो 6 गुना 70, मतलब आपके पास एक ऐसा नंबर आ चुका है जो काट रहा है, बट इसके फैक्टर्स भी तो हो सकते हैं, 6 के फैक्टर क्या आएंगे, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि उसको कैसे लिखोगे आप, 2 गुना 3 लिख सकते हो गुना 70 और 2 गुना 3 गुना 71, तो 2 एक नंबर आ गया, 3 आ गया, कितना आ गया 6, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे पास बिल्कुल सही आंसर था इसका। तो थोड़ा सा सोचना था, हल्का सा सोच विचार कर लेते ना आंसर आ जाता। ये थे क्वेश्चन, थोड़े से मतलब आसान क्वेश्चन थे, दिस वर इजी क्वेश्चन। क्लियर, चलिए नोट कीजिए। चलिए थ्री नंबर्स एक्स वाई, ये था ये मतलब ये क्वेश्चन था जिसने ना थोड़ा सा बच्चे को सोचने मजबूर किया होगा। हाँ इजी थे कि ट्रिपलेट, ट्रिपलेट बेसिकली कौन से थे, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की बात होती है तो बच्चों का दिमाग सबसे पहले वहीं दौड़ा होगा जहां तक मुझे लग रहा है, बाकी ठीक है। थ्री नंबर्स एक्स वाई जेड आर सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ अ फर्स्ट सेवन नेचुरल नंबर्स, यानी एक दो पांच छह सात, ठीक है, सच दैट एक्स ग्रेटर देन टू वाई ग्रेटर देन थ्री जेड, ओ सही, हाउ मेनी सच डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट्स आर पॉसिबल, कि एक्स वाई जेड की वैल्यू अपने क्या लेनी है, एक दो तीन चार पाँच छः सात लेनी है, इनमें से कोई भी वैल्यू लीजिए,
कितनी ऐसी तीन तीन एक साथ आप तीन वैल्यूज ले सकते हो, एक एक्स की, एक वाई की, एक जेड की, कितनी वैल्यूज पॉसिबल है मुझे बेसिकली ये बताना था। ट्राई कीजिए। देखो सबसे पहली बात, सबसे बड़ा नंबर मेरे को एक्स चाहिए, मेरे को सबसे बड़ा नंबर जो है मुझे एक्स चाहिए। अगर मैं सबसे पहले एक्स को सेवन ले लूं, अगर मैंने एक्स को सेवन लिया, ठीक है, तो देखो यहां पे कितना सेवन आ गया। क्या मैं वाई को टू ले सकता हूं? फिर जेड को क्या लेना पड़ेगा? वन, यानी ये कितना हो जाएगा? चार। क्या ये कंडीशन फुलफिल होगी? यस, बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाई करगी मेरी गिवन कंडीशन को, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या हो सकता है, एक ही हो गया, एक सेट बन गया मेरे पास, एक सेट। अगर मैंने फिर एक्स को सेवन लिया, क्या मैं वाई को थ्री ले सकता हूँ एंड जेड को वन ले सकता हूँ? एक्स को सेवन, वाई को थ्री। देखो अगर मैं एक्स को सेवन लेता हूँ, सेवन ग्रेटर देन सिक्स ग्रेटर देन थ्री, बिल्कुल सेटिस्फाई करके, तो ये मेरा पहला और ये मेरा दूसरा ट्रिपलेट बन चुका है, ठीक है। चलो अच्छा अब देखो, अब नहीं हो सकता, अगर मैं वाई को चार पुट करूँ तो आठ आ गया। नेक्स्ट देखो, अगर मैंने एक्स को सिक्स पुट किया, मुझे चाहिए क्या? एक्स ग्रेटर देन टू वाई ग्रेटर देन थ्री जेड, मुझे इतना चाहिए। अगर मैंने एक्स को सिक्स पुट किया, वाई को टू पुट कर सकता हूँ एंड जेड को वन कर सकता हूँ, कर सकते हैं, बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत नहीं। एक्स कितना है? छः। ये कितना है? चार। ये कितना है? तीन। तो एक थर्ड वैल्यू होगी। अगर अब मैं वाई को तीन पुट करता हूँ तो तीन दुनी छः, तो ये बराबर हो जाएगा, तो ये मेरे पास कंडीशन खत्म होगी। ये क्वेश्चन काफ़ी काफ़ी मतलब अजीब सा लगा था बच्चों को, ठीक है, सोल्यूशन इसका निकला नहीं था। नंबर तीन, नंबर चार पे देखो, वेन एक्स इज इक्वल टू फाइव पुट किया आपने, चाहिए क्या? एक्स ग्रेटर देन टू वाई ग्रेटर देन थ्री जेड, ये मुझे चाहिए। अच्छा वाई को क्या पुट कर सकता हूँ? वाई को मैं टू पुट कर सकता हूँ और जेड कितना आएगा फिर मेरा? वन। तो कितना आ गया? फाइव ग्रेटर देन फोर ग्रेटर देन थ्री, एक दो तीन चार। तो कितनी वैल्यूज आ गई? एक दो तीन चार। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फोर ट्रिपलेट्स। थोड़ा सा पेशेंस फुली करने वाला क्वेश्चन था। देखिए जब आप देखो, मैं एक ही बात कहता हूँ, सी सेट की तैयारी करना बहुत बड़ा वो नहीं है, बहुत बड़ा मतलब कोई टास्क नहीं है, बट गेम चेंजिंग जो इक्वेशन आपके पास हुई है कि आप टाइमली तैयारी शुरू करो। मेरे कहने का मतलब क्या, देखो होपफुली आपने नोट कर लिया होगा, जो आपकी सी सेट की प्रिपरेशन थी ना, मेरे अकॉर्डिंग जो जो आपका सी सेट का एग्ज़ाम था ना, वो टोटली आपके पास क्या था? प्रैक्टिस बेस प्रैक्टिस बेस एग्ज़ाम था आपका। कहने का मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए थी, आपको अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस बेस था, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पेपर था आपका, कि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस कैसे आएगी? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वेश्चंस की। ये जो आज हमने जो नंबर से ये वाला जो क्वेश्चन किया, इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल ही आपका नहीं समझ आ रहा आपको, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। और आपके जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, लॉजिक्स प्लस कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग चाहिए, बहुत स्ट्रांग चाहिए, ये प्लस पॉइंट था आपके पास। जैसे परसेंटेज के आपने क्वेश्चन देखे, अपने प्रॉफिट लॉस के भी कुछ क्वेश्चन देखे, वो क्वेश्चन आपका वो आपका क्लॉक एंड कैलेंडर का क्वेश्चन था आपका, बहुत इजी डायरेक्शन के क्वेश्चन, मतलब रीजनिंग तो आपके बड़ी इजी थी। अगर मैं बात करूं रीजनिंग का सेक्शन आपको बहुत इजी था, उसे तो मैं बिल्कुल इजी लेवल बोलूंगा, एक आधे क्वेश्चन को छोड़ दूं जो मेरी नजरों में आने, वैसे तो बहुत इजी ऑल ओवर जितने भी क्वेश्चन थे बहुत इजी थे। बट अगर आप क्वांट की बात करें ना, क्वांट आपका ठीक ठाक लेवल था, ठीक है, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़ रहा था, जैसे 2 की पावर 32 वाला जो 32 की पावर अब 5 वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था कि बेस एम हुआ पावर निकाल ली और आंसर आ गया, क्लियर। तो अगर सी सेट आप टाइमली शुरू कर लो ना, तो इसमें अच्छे मार्क्स लिए जा सकते हैं। जो बच्चे इसको सिर्फ ये सोच के चलते ना कि हाँ सिर्फ क्वालिफाइंग के तो पढ़ लेंगे, वो बहुत बड़ी मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ तैयारी करते हैं, मेरा मानना ये रीज़न क्या है। जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, उसको सिर्फ क्वालिफिकेशन तक मत लेके जाओ, उसमें एक्सपर्टीज देखो क्या हो सकती है, क्या आप कौन से आप टॉपिक से जिनमें आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। अब जिनका नंबर सिस्टम अच्छा था, जिनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छा था, उनको पता था कि हो जाना है, बट उनको भी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़नी और उनके लिए भी प्रैक्टिस मस्त थी। समझ आ गई बात?
तो ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ आती हैं जब आप बैच में आते हो, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ना दो दिन में नहीं आता, मैं बता रहा हूँ आपको। प्रैक्टिस आप दो दिन में कर दे, ये टाइमली है, टाइम के साथ होती है प्रैक्टिस आपकी, कि नया क्वेश्चन क्या कोई आया, नया क्वेश्चन सर ये क्वेश्चन आ रहा है, आप प्रीवियस ईयर करो, ठीक है। मैं शुरू से ही बोलता रहा हूँ प्रीवियस ईयर कितने इंपॉर्टेंट है, कितने इंपॉर्टेंट है, और कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड भी आए हैं आपके पास, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है दे आर वेरी इजी, क्लियर। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस नंबर पे कॉल करना है 9517716 5, इस नंबर पे आपको कॉल करना है और इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट सीसेट, क्लियर। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। थैंक यू। एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उसे प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।